हेलो एवरीवन, वेलकम टू PHR कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अब जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, NTPC लेवल 4 और 6 की जो एग्ज़ाम हुई थी, RRB NTPC, उसकी मैं मैथ की क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा रहा था, है ना। जिस क्रम में आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, और ये आपके जो अपकमिंग एग्जाम जो डेट शेड्यूल किया गया है जून के मंथ में, लेवल 2, 3 और 5 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, तो इसके इसको करके ही जाना है, इसे किए बिना आपको जाना नहीं है, ठीक है। पूरी क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, अगर किसी को भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चैनल पे न्यू है देन मेक श्योर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एक घंटी जैसा होता है उसको दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हमने 70 क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। आप उसे देख सकते हैं, मैंने NTPC का प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ जाकर देख लो, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, डिटेल सॉल्यूशन के साथ मैंने करवाया है उसको, ठीक है। देखिए, बोला गया है कि नंबर है क्या है, 11, 15, 20, 30, है ना। और इसमें से कुछ एक के संख्या को घटा दिया जाता है, के जो है 0 से बड़ा है, तो के का जो वैल्यू आएगा वो आपका पुट करके ये आपका निकालना है। तो पहले के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए एक तो तरीका है कि ऐसा माइनस एक्स कर दो, इक्वेट कर दो, निकल जाएगा यहाँ से भी, है ना। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लो यहीं से, या फिर आप कर सकते हो, देखो ये दोनों में डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 15, ये दोनों में डिफरेंस कितना, आप कहोगे 9, रेशियो कितना बन गया 3/5 का। यहाँ डिफरेंस कितना है 4, यहाँ डिफरेंस कितना है 2, 2 से गुना कर देंगे तो 6/10, ये 6/10, ये 11 से कितना कम है 5 कम है, यह कितना कम है 5 कम है, तो यहाँ से आपका के का वैल्यू आ गया 5। अदरवाइज आप इस इक्वेशन से भी कर सकते हो, एज यू विश, जैसी इच्छा हो कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू 5 आते ही निकालना है 2k+2, मतलब 5 × 10 = 12 एंड 3k² मतलब 25 × 75, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मध्य अनुपातिक ये कहते हैं ना, तो उसको निकाल लीजिए। आपको पता है कैसे निकलता है, मतलब a/b, b/c यही होता है, b² = ac होता है, b = ac का रूट होता है, तो 12 × 75 का रूट ले लीजिए, निकल जाएगा। 4 × 3 लिख सकते हैं, 25 × 3 लिख सकते हैं, तो 4 का वैल्यू रूट से बाहर 2 आ गया, 3 आ गया, और 25 का 5 आ गया, 5 × 15 = 30, 30 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ टेबल दिया गया है, इसमें पूछा गया है क्या कि 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 2005 में बैच 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। 2001 में बैच 2, 2001 ये हो गई, बैच 2 हमारी ये हो गई, मतलब 144, है ना। और 2005 ये हो गई, और बैच 5 की बात की जा रही, बैच 5 मतलब ये हो गई, कितनी ज़्यादा है, 90 है, 90 से कितनी ज़्यादा है, ये 90 से आप कहोगे 54 ज़्यादा है, ठीक है, जो कि आपको पता है 60% के बराबर है, तो ये आपका उत्तर हो गया 60%। अगला क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन बोला गया, मीन तो आपको पता ही है, जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिए, 4 संख्या है, है ना, तो 37 मतलब ये हो गया 30, 30, 60, 60, 8 से 14, 140, 210 बटे में 4 हो गया, 4×5=52.5। खत्म क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोला गया 23/2 मोर देन ए नंबर इज 25/6, 23/3 है कोई नंबर 1 से 25/6 ज़्यादा है, एक्स की वैल्यू आप निकाल पाओगे, कोई भी बालक निकाल लेगा, यहाँ से 25/6 कर देना है, एलसीएम आपका 6 आ गया, 46 में से 25 घटा देना है तो कितना आ गया 21/6, 3×7, 3×2, 7/2 आपका उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक नंबर बड़ा प्यारा सा दिया गया है 2561394, जिसमें ये आपका वेरिएबल है, 11 से डिविजिबल करना है और ए के वैल्यू पूछ लिया, अल्टरनेट को जोड़ के घटा दो, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11 और ए, यही हो गया 11+ a हो गया, माइनस वाले में 5 × 6, 6 और 9 = 15, 15 × 4 = 19 हो गया, बराबर में 0 और 11 और 22 मतलब 11 के मल्टीपल्स आ सकते हैं, है ना, तो a माइनस में 8 = 0 लेंगे तो a का वैल्यू 8 आ जाएगा, तो
आठ आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर ए माइनस एट बराबर ग्यारह ले लेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 19। आपको पता है सिंगल डिजिट जो होता है डबल डिजिट नहीं हो सकता, नौ से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आठ आपका उत्तर है ना, इट इज योर आंसर। नेक्स्ट, शुभम सिक्योर 345 मार्क्स आउट ऑफ 600 इन एनुअल एग्जामिनेशन, परसेंटेज पूछा है, 345 बटे 6 कर देना है, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 4 बच गया, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 3 बच गया, फिर 6 पंचे 30 हो जाएगा, 57.5 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका लेवल 4 में पूछी गई थी, ठीक है, नहीं आपकी 10 मई की शिफ्ट फर्स्ट फर्स्ट आई थिंक, तो देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। बोला गया बाई सेलिंग ए चेयर फॉर 2858.77 ए पर्सन गेंस 27%, तो 127 से डिवाइड कर देना है आपको, ठीक है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर सकते हो या भी ऑप्शन दूर दूर है, आप अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डिवाइड ही करो, ठीक है, तो लगभग 2200 रुपये तक आना चाहिए, लेकिन काफ़ी ऑप्शंस क्लोज है यहाँ पे, तो आप इसको सॉल्व भी कर लेना, वैसे इसका आंसर होगा 2251, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि राम एंड रहीम टुगेदर हैव 1210 रुपये, राम और रहीम के पास मिलाकर 1210 रुपये है, 1/3 ऑफ राम इक्वल टू 2/5 ऑफ रहीम। अब आप देख लो यहाँ पे हो जाएगा 5 राम इक्वल टू 6 रहीम, मतलब राम और रहीम का अगर रेशियो निकाला जाए, रेशियो हो जाएगा 6:5, यही हो जाएगा टोटल रेशियो, हो गई 11, तो 11 से डिवाइड कर दो इसे। अब जिसका पूछता है बता दो क्या पूछा गया है, देन व्हाट इज अमाउंट ऑफ रहीम, रहीम का कितना था, रहीम का 5 था, 5 से गुणा कर देना है, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 0, 550 रुपये आपका आंसर। नेक्स्ट, द डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 52 सेंटीमीटर, डायगनल समझते हैं, आयत है ये, आयत का विकर्ण दिया गया है कितना 52 सेंटीमीटर, एरिया दिया गया है 1260, पेरीमीटर पूछा गया है। आपको पता है एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी 1260 दिया गया है, और आपको पता है डायगनल क्या होता है, डायगनल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, मतलब डायगनल के स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर रूट लगा देंगे तो डायगनल हो जाएगा, मतलब ये आपका दिया गया है, ठीक है, तो 52 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा, 527,704 हो जाएगा, ये डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो मतलब आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी गई है, ये दी गई है, ठीक है। अब आपको इसमें लगा दो आप एल प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ एल बी, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 2704 प्लस 2704 है ना, हाँ ठीक है, और एल वी कितना है 1260, इसको डबल कर देगा 2400 हो जाएगा, 60 60 120, 24 2520 हो जाएगा, इसमें 2520 आपको जोड़ देना है, 4 2 7 12 का 2 हासिल 1 5, 52 24 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 52 24। अभी इसको क्या करना है, आप इसको देख लो ये किसके रूट के आसपास में है, यहाँ से आप एल प्लस बी के वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, तो इसका आप रूट निकाल लो, रूट कितना है, तो परफेक्ट रूट नहीं बन रहा है ये, 72 का रूट कितना होता है, 72 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 72 ना, 72 का मतलब हो जाएगा 72, 52 56, 52 56 जैसा होता है, 52 56 है, 52 24 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, ये लगभग 72 के करीब आएगा, और आपसे पूछा गया था पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2 टाइम ऑफ एल प्लस बी, एल प्लस बी की वैल्यू 72 के लगभग में है, गुने दो करोगे तो 144, 144 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 144 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 72 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5184 होता है 72 का स्क्वायर, तो 5184 से तो ज़्यादा है, लेकिन 73 का स्क्वायर आपका होता है लगभग 5382 9 होता है, तो उससे कम है, मतलब बीच में है, तो आप इसको ले सकते हैं, 72 पॉइंट समथिंग आएगा। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स सेलेंट हाइट इज 32, देखिए कोन है
इसका स्लैंट हाइट मतलब ये वाली दी गई है 32, डायामीटर दी गई है 48, मतलब ये रेडियस होगी 24। ठीक है, आपको निकालना है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। आप पाई अगर कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा, यहीं से फॉर्मूला बनता है, मैंने 12 बताया है आर प्लस एल। तो अगर पाई अगर 22/7 है, आर आपकी है 24, और आर प्लस एल मतलब ये 4 2 6 और 7 76 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, मतलब ये किसी से कटने वाला तो लग नहीं रहा, ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल हो गया। पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, आर प्लस एल हो गया, 22/7 हो गया, आर हमारी 24 थी ना रेडी, हाँ ठीक है 24 थी, और जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 4 3 7 76, 76 × 24 × 22 ये आपका आएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, इसको देखिए, पहली बात तो ये और ये तो आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि बटे में 7 है और कट नहीं रहा, तो इंटीजर में तो नहीं आने वाला है, तो कहीं ना कहीं इस दोनों में ही आपका आंसर होगा, लेकिन ये ऑप्शन काफ़ी क्लोज है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो सॉल्व ही कर लिया जाए। देखो ये 24 × 48 और 48, तो 8 8 4 12 कर दो, हाँ से ले 528 हो गई, और इसको 76 से गुणा कर देंगे तो 8 6 48 का 8 6 12 4 16 6 1 6 5 36 और 1 31 हो गया, 8 6 56 6 हासिल 5 7 14 5 9 हासिल 1 7 5 35 1 36 हो गया, तो ये 8 6 6 12 का 2 हासिल 1 10 11 का 1 हासिल 1 6 4 10 का 0 हासिल 1 4, तो 40,128/7 हो गया। अब ये 40,128/7 है, देख लो। ठीक है, और इसमें फिर आप क्या कर सकते हो, मतलब ये आपका 76, ये आपका 24 है, और ये आपका 22 है, 40,128 हो गया। अब यहाँ से आप कितना डिवाइड कर सकते हो इसे, 12,077 अगर ऑप्शन वन को अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है, 1 मिनट के, देखो हमने एक ब्लंडर कर दी है। पहली बात तो ये जोड़ने से आपका 56 आ रहा है ना, तो हमने 76 ले लिया है, यही हमारी गलती हो गई। 1 मिनट रुक जाओ, मैं सबको मिटा देता हूँ, वही मैं देखूँ गलती का हो रहा है। ये था, ये हमारी हो गई 32, ये हमारी हो गई 24, हमको निकालना है पाई आर आर प्लस एल, 22/7 × r आपकी 24 × आपकी 56 हो गई, 24 और 32 मिलाएंगे 56 होगा, तो 7 8 हो गया 56। ठीक है, 7 8 हो गया 56 और 22 8 हो गया 176, तो 176 × 24 हो गया। अब इसको गुना कर लो आप, 176 को अगर 20 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 176 को अगर 20 से गुना करोगे तो 3520 हो जाएगा, और 176 को अगर 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 176 को 4 से करोगे 704 हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 7 5 2, हाँ 4224, ये आपका आंसर है 4224, ये मैंने गलती किया था। ठीक है, चलो ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं, आपके टोटल 80 क्वेश्चन अभी तक मैंने कंप्लीट करवा दिए, तो आप सभी को प्रैक्टिस कर लेंगे, और ठीक है इतना आप देखो प्रैक्टिस करो, पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलो अभी इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं कंप्लीट करवाता चलूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ गुड डे।